बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पंजाबी फूड लैब की एक और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं जी बेसन और प्याज के पकौड़े, जो कि बहुत ही अच्छे और लजीज बनेंगे। तो बेसन के पकौड़े बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? ये प्याज लिए हैं जी मैंने, 4 से 5 दरमियाने साइज के थे। इनको काट के मैंने नमक लगा के रख दिया। बेसन है जी तकरीबन ये प्लेट दरमियाने साइज की भर के लिया मैंने, और हरा धनिया है। इसके अलावा जो इसमें मसाले डालेंगे वो भी मैं आपको बता ये दूँ। जी हमारे पकौड़ों में जो मसाले जाएंगे, इसमें पिसा हुआ धनिया है 2 चम्मच बड़े वाले, अजवाइन है ये 1 चम्मच है, दही है ये तकरीबन 1/2 कटोरी है, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है तकरीबन 1/2 कटोरी है, और ये पुदीने की चटनी है, इसमें पिसी हुई हरी मिर्च, पुदीना और सब्ज़ धनिया को डाल के ग्राइंड किया हुआ ग्राइंडर में, और पानी, पानी ऑप्शनल है। पानी जो प्याज़ों में से निकलेगा बेसिकली वो उसमें हम बेसन बनाएंगे, बेसन का जो पेस्ट है ये मसाले डाल के बनाएंगे। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो हम लगा लेंगे, नहीं तो उसी पानी में हम अपने बेसन का पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम जी प्याज़ों में अपने मसाले जो हैं वो डाल लेंगे सारे, दही भी डाल देंगे, सूखा धनिया और दही हमने इसमें डाल दिया, अजवाइन डाल लेंगे, हरी मिर्च का पेस्ट डाल लेंगे, सब्ज़ धनिया ये भी डाल देंगे इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को, और इसके साथ ही हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। इनको सबको मिला के पेस्ट बना के तो फिर इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। ये जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पानी इसमें ऑप्शनल है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है हमें पड़ी। वो तो दही और जो हरी मिर्च के पेस्ट में लिक्विड था उसकी वजह से ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम चलते हैं जिसको जी फ्राई कढ़ाई करने की को तरफ। चूल्हे पे रख के हमने ऑयल को गर्म कर लिया। अब चम्मच की मदद से इसमें पकौड़े डालते जाएंगे। एक एक करके इसको साइज़ में थोड़े से छोटे रखने हैं। ये प्याज के पकौड़े ये नहीं है कि हमने रेसिपी है जिसमें दही भी डाला, पहले पकौड़े हैं मेरे ख्याल जिसमें दही हमने इसके पेस्ट में ऐड किया। इससे एक अलग ही नया ही फ्लेवर आएगा। हमारी कोशिश ये होती है कि व्यूअर्स के लिए कोई नई से नई जो भी है रेसिपी हो, थोड़ी सी अलग हो, जो कि बाकी इंटरनेट पे रेसिपीज़ हों उनसे थोड़ी सी अलग हो, कुछ नया देखने को मिले हमारे व्यूअर्स को। तो हमारे उन तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारी वीडियोस को देखते हैं। अब हम इनको जी पकौड़ों को एक साइड से पक लेने देंगे धीमी आँच पे, फिर इनकी साइड चेंज करके इनको निकाल लेंगे। ये जी पकौड़े हमारे एक साइड से फ्राई हो गए हैं, ये देखें 3 मैंने कर लिए हैं, इनकी साइड अब चेंज कर लेंगे। फ्लेम आपने लो रखना है, उसकी वजह ये है कि प्याज जो है ये बहुत जल्द ब्राउन हो जाता है, बाकी तो इसमें पकने वाली कोई चीज़ नहीं है। प्याज जो है ये जल्दी थोड़ा सा ब्राउन होकर जल जाता है, इसलिए इसकी फ्लेम लो रखना है आपने। देखें घी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था इसलिए ये जल्दी ब्राउन हो गए। इसको आराम से दूसरी साइड को अब मैं लो फ्लेम पे पका रहा हूँ। इसी तरह हम बाकी के भी सारे बना के निकाल के डिश आउट कर लेंगे और फिर आपको मिलते हैं। पकौड़े हमारे रेडी हो गए थे, इनको मैंने छन्नी की मदद से छान के निकाल के, ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। तो अब चलते हैं इनको डिश आउट करने की तरफ और डिश आउट करके आपको मिलते हैं। माशाल्लाह जी बेसन और प्याज के पकौड़े हमारे बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।